हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए मेरे चैनल में आप लोग के स्वागत है दोस्तों। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी में आज बादाम पकौड़ा बना रहे हैं। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि इतना नमकीन डाले हैं लेकिन बादाम पकौड़ा नहीं डाले हैं। इसी कमेंट में मेरी बेटी भी कमेंट कर दी कि माँ, बादाम का पकौड़ा मैं बना के नहीं डाली हो, जल्दी से डालो, मेरे को बनाना है। आज सोचे कि बना ही देते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो बादाम पकौड़ा बनाने के लिए 500 ग्राम बादाम लिए हैं। इसको 5 मिनट के लिए इसको पानी में डालकर छोड़ दिए थे। 5 मिनट के बाद इसको पानी से निकाल कर धो दिए हैं। ज़्यादा इसको फुलाना नहीं है, 5 मिनट तक इसको फुलाना है। फुलाने से क्या होता है कि डस्ट वगैरह जो रहता है से निकल जाता है और थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। पानी में, सॉरी, तेल में जब हम फ्राई करेंगे इसको तो तुरंत जलना शुरू कर देता है। ऐसे धीरे धीरे पकेगा, साथ में बेसन भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इस तरह से बनाना है और बहुत मतलब इजी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा कोई भार नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए सबसे पहले क्या करना है इसे देखते हैं। और बादाम पकौड़ा बनाने के लिए जो मसाला उसमें डालना है वो सब लिए हैं। सबसे पहले चना का बेसन लिए हैं, तो ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, मेजरिंग करके आप लोग के बताएंगे। और इसमें चटपटी के लिए मसाला लिए हैं, तो चाट मसाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, तीखी वाला मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला, हल्दी पाउडर है, काला नमक है, आमचूर पाउडर है और नींबू है। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। तब ये छोटा कप है, इसी कप से नाप के डालते हैं। 2 कप इसे डाले हैं और इसको थोड़ा फेंट के देखते हैं कि कितना ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से ऊपर से भी डालेंगे। थोड़ा सा इसको आधी को क्रश करके डालते हैं इस तरह से। और इसमें नींबू के रस गाड़ते हैं। नींबू के रस डालने से टेस्टी आता है, खट्टा, थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। और थोड़ा सा अजवाइन, इसको इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं। क्रश करने से इसमें के खुशबू निकलता है, इसीलिए क्रश करके डाला जाता है। और इसमें ज़रूरत के अनुसार मसाला डालते हैं बारी बारी से। धनिया पाउडर छोटी चम्मच से 2 चम्मच, जीरा पाउडर 2 चम्मच, सब 2-2 चम्मच डाल रहे हैं, तीखी वाला लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच और 2 चम्मच, थोड़ा सा आमचूर पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, और काला नमक स्वाद के अकॉर्डिंग 3 चम्मच डाले हैं, 4 चम्मच चेक करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ऐसे आपको जैसे आराम पड़े आप बना सकते हैं। पहले भी बेसन के घोल बना के और उसमें मसाला मिला के ऊपर से बादाम डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। बहुत सारे हैं कि पकौड़ा है तो पकौड़ा की तरह पूरा ढीला बनाकर डालते हैं, ऐसे ड्राई बनाकर भी आप डाल सकते हैं। तो मैं अपना ट्रिक से बना रही हूँ, अगर आप लोग के अच्छा लगेगा तो बनाइएगा इसी ट्रिक से। इस तरह से एकदम ज़्यादा गीला मैं नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये हल्दी राम जैसा मैं बना रही हूँ, जैसे हल्दी राम का आप लोग खाते हैं ना मार्केट से ला करके, उस तरह से बन के तैयार होगा। तो 500 ग्राम बादाम में हम 150 ग्राम बेसन डाले हैं और इस तरह से इतना लटपट दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। और कब बना रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दिवाली के त्यौहार पर नमकीन अच्छा अच्छा बनाइए और कमेंट में लिखिए। और आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी आप डाल सकते हैं, अगर सुंदरता के लिए डालना है तो, लेकिन मैं नेचुरल बना रही हूँ। देखिए कलर अपने आप इसका आ गया है बहुत सुंदर, और मसाला डालने के बाद में भी आ जाएगा। तो मैं कुछ भी बाहर के इसमें नहीं डाली हूँ, नहीं चावल का आटा, नहीं अरारोट, कुछ भी नहीं, एकदम सिर्फ चना के बेसन। तो आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। पैन गर्म हो गया है, इसमें सरसों के तेल डालते हैं
आपको जो पसंद है कुकिंग ऑयल वो में आप बना सकते हैं। हम लोग तो ज़्यादा यूज करते हैं सरसों का तेल, क्योंकि इसी में हम लोग के टेस्टी लगता है। ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक इधर बादाम पकौड़ा को मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर से अंदर में तो डाल ही दिए, वो तो बेसन में रहेगा टेस्टी, बाहर से मसाला के लिए ड्राई ड्राई मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छोटी चम्मच से, 2 चम्मच आधा केजी के लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक क्योंकि उसमें नमक पहले से मैं डाल रखी हूँ, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर नहीं एकदम छोटा छोटा चम्मच से है आप तो देख ही रहे वीडियो में, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और स्पाइसी के लिए तीखी हुई लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, एक एक चम्मच सब डाले हैं, और चाट मसाला 2 चम्मच। ये सारा मसाला घर के बनाया हुआ दोस्तों, और सारा मैं वीडियो में डाली हूँ, सावित्री सिन्हा किचन के वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और इसको मिक्स कर देते हैं, तेल मेरा गर्म हो गया है, थोड़ा सा डाल के चेक करते हैं इसमें। तेल अच्छा गर्म है, अब इसमें पकौड़ा को डालते हैं, इस तरह से डालेंगे और इसी से फैला देंगे, हाथ लेटना का जरूरी नहीं है, मीडियम एकदम लो फ्लेम, और इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से पकना शुरू हो गया, जैसे डालेंगे और इसमें धीरे धीरे उसी चम्मच से इसको हिला हिला करके अलग अलग इसको फैला देंगे, अलग से कोई बर्तन लगाने की जरूरत नहीं है, करछी वगैरह। और देखिए इस तरह से जैसे जैसे पक के तैयार होगा और ऊपर तैरता हुआ आ जाएगा, ऊपर में आकर के पूरा छत आ जाएगा, तो समझिए कि मेरा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। देखिए एक एक आनंद के ये तैरना शुरू कर दिया है, और इसके बाद ऊपर जब छत आ जाएगा, ऊपर तैरना शुरू कर देगा, तो उसको कम से कम 2 मिनट तक वेट करेंगे, इसके बाद में ही बाहर निकालेंगे, तब मेरा परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से देखें ना दोस्तों कितना ईजी है बनाने के लिए, और हम लोग मार्केट में जाके लाते हैं और घर में बच्चों लोग को भी देते हैं, तो नुकसान करता है मसाला, सबसे ज़्यादा उन लोग का ख़राब रहता है। अब ये हो गया है, अब इसको निकालते हैं, देखिए इसका कैसा कलर है, इसी स्टेज पर निकालना है इसी तरह से, ज़्यादा भी इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा जल जाएगा बेसन तो एकदम टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये ध्यान देना है। से हम लोग समझाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बड़ा रहता है, लेकिन समझाते हैं कि कोई भी आप लोग बना सकते हैं, कोई भी गृहिणी कोई किचन में आप बना सकते हैं, इस तरह से समझाते हैं। खन खन की आवाज़ आ रहा है दोस्तों, कितना क्रिस्पी होगा आप अंदाज लगा सकते हैं, फिर बाकी के और बनाते हैं। हमें पकौड़ा को लगातार नहीं डालना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि तेल के हीट कम हो जाता है, तो थोड़ा हीट इसमें हो जाना चाहिए फर्स्ट में, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देना, और इसमें इस तरह से डाल के इसी से फैला देंगे इस तरह से नीचे। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, एक भी आप लोग के जरल नज़र नहीं आ रहा होगा, इसी तरह से बनाना है, बाकी के सब बनाते हैं। तो दोस्तों सारा बादाम पकौड़ा बनकर मेरा तैयार है, देख लीजिए बहुत क्रिस्पी बना है और बहुत जल्दी बन गया है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम मेहनत नहीं है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, तो आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं और बच्चे लोग के खिला सकते हैं, अपने भी खा सकते हैं। तो इसमें मसाला तो पहले से ही डाल दिए हैं, जो आप चाहें तो ऊपर से मसाला डाल के खाएँ, और नहीं चाहे तो पहले से ही मसाला पकौड़ा में डाला हुआ है। और एक ट्रिक और बताते हैं कि आप लोग ज़्यादा बेसन खाना पसंद करते हैं, तो ये बादाम ढकने भर भी आप बेसन इसमें डाल सकते हैं। मैं इस तरह से बनाई हूँ कि पकौड़ा के मतलब है कि थोड़ा थोड़ा बेसन और उसमें बादाम भी दिखना चाहिए, तो इस तरह से मैं बनाई हूँ, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, एक बार इसे बनाइएगा, देखिए एकदम क्रिस्पी बना है, एकदम मलने से सब, देखिए सब मला रहा है, इस तरह से सब बना है। तब इसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं, मसाला मिक्स किया है तो थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इस तरह से, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा तो मसाला खबरते रहिए और छान छान के उसमें रखते रहिए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं।
तो दोस्तों बादाम पकौड़ा रेडी है सर्व करने के लिए, और आप लोग इसको सर्व करिए और मुझे फीडबैक शेयर करिए कि मेरा बनाया हुआ बादाम पकौड़ा का रेसिपी आप लोग के कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ज़रूर, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरा रेसिपी को और लीजिए सर्व करिए दोस्तों मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। और दिवाली के शुभ अवसर पर बनाइए नमकीन मीठा, तो मैं बहुत सारे मिठाई बना के मैं डाली हूँ दोस्तों, तो मेरे वाला रेसिपी कम से कम एक वो तो ज़रूर ट्राई करिए आप लोग और कमेंट में लिखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एंजॉय।